लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ, जिसमें लक्ष्य एकेडमी ने कैग नई दिल्ली को 15 रनों से हराकर लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल मुकाबले में कैग के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य एकेडमी की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 40 ओवर में 195 रन बनाया, जिसमें लक्ष्य एकेडमी के लिए अरुण ने 48 रन, विशन ने 45, एकांश ने 33 रनों का योगदान दिया। वहीं कैक के शुभम वर्मा ने 3, राहुल और अर्पित ने 2-2 और वंदित और सुबोध ने 1-1 विकेट लिए। वही जीत के लिए आवश्यक 196 रन का पीछा करते हुए कैग की टीम 40वें ओवर में 180 रनों पर सिमट गई, जिसमें हिमांशु राणा ने 52 और अर्पित ने 26 रनों का योगदान दिया। वहीं लक्ष्य के राजेश शर्मा ने 4 विकेट, अरुण ने 3, रोहित ने 2 और दीपक ने 1-1 विकेट लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लक्ष्य के अरुण को शालू वलानी ने दिया, जबकि प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार पूर्वोत्तर रेलवे के सौरभ दुबे को ट्रॉफी व 11,000 नगद पुरस्कार अतुल सर्राफ एस्प्रा के निदेशकों ने दिया, जबकि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार कैक के वंदित को ट्रॉफी व 11,000 नगद पुरस्कार व प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार कैक के हिमांशु राणा को ट्रॉफी व 21,000 नगद पुरस्कार विशिष्ट अतिथि पंकज राय ने दिया, तथा प्रतियोगिता के फाइनल मैच के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे यूपीसीए के निदेशक डॉक्टर युद्धवीर सिंह और एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता लक्ष्य एकेडमी की टीम को 3,00,000 रुपए का चेक व विजेता ट्रॉफी व उपविजेता टीम कैक को 2,00,000 रुपए का चेक व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एस्प्रा के निदेशक अतुल सर्राफ, लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के कोषाध्यक्ष अंबुश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, पंकज राय, सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता, एजाज अहमद, मनोज प्रेम, अजीत श्रीवास्तव, संजीत प्रधान, प्रेम शाही, विजय श्रीवास्तव, अरविंद त्रिपाठी, राजिक इस्लाम, रफीउल्ला, फरोग अहमद, अनूप श्रीवास्तव, संजय नायक, अनूप श्रीवास्तव सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव त्रिलोक रंजन, पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, बॉलिंग में परिवर्तन हुआ है, पांचाल उधर से गेंद कर रहे हैं, पहली बाएं हाथ से राउंड द विकेट आते हुए वापस के खेला था बॉलर की दिशा में, वही करूंगा भैया, इसका टर्न किया एंग साइड में, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई दीपक, अन्य ओवर की पहली गेंद को भाटी ने ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन भाग कर पूरा किया, वहां पर फ्री रन मौजूद, अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट गेंद खेलने की कोशिश स्क्वायर लेग की ओर पूरी तरह से चकमा खाते हुए, बहुत अच्छी इस तरह से आप पेपर रनों की आवश्यकता है बच्चों को 41 गेंद पर, यदि इस मैच को जीतना है सी जी देना इसको 145 अब 6 विकेट चले, बाकी तो सब हो गया था, सब मिल भी गया है वहाँ से एनओसी एनओसी, ठीक है। अब वहाँ पे ना हमारे इस फाइनल मैच के हमारे गेटसफर अखिल कुमार सब जो कि यहाँ पर पुलिस मान के सब गोरखपुर जो हमारे बीच आ चुके हैं, बंदा है
सभी का मैं लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर जो था वो 8 स्पोर्ट्स में फैल चुका है और करीब 1500 बच्चों को वो सपोर्ट करें, बहुत बड़ी बात है। कोई सपोर्ट सरकार का एक पैसा नहीं है, कहीं से कोई बात नहीं है। और तरह तरह जब ये टूर्नामेंट होते हैं तो इस शहर के अच्छे मानिंद लोग अलग से पिच इन कर जाते हैं, जैसे कि इस टूर्नामेंट में अलग से वो सपोर्ट करते हैं, तब ये खेल आगे बढ़ रहा है। मैं क्रिकेट से मेरा भी जुड़ा हुआ करीब 20 साल पहले, जब मैं भी क्रिकेट खेलता था और गलती से चला गया मैं भी कि चलो ट्रायल दिया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस में घुसा जाए, तो क्या स्ट्रगल्स हैं खिलाड़ियों की वो समझ आई। आज 20 साल गुजर गए, मुझे लगता है कि ऊपर का क्रिकेट तो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, रणजी ट्रॉफी और उसका नीचे का क्रिकेट अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। खिलाड़ी वहाँ कैसे पहुँचे, किन टूर्नामेंट के जरिए पहुँचे, कैसे उस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए। आज क्रिकेट एक हाउस होल्ड गेम है, ज़रूरत है कि हमें प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की। BCCI, मैं युद्धवीर सिंह जी भी से डिस्कस कर रहा था और अनुरोध भी करूँगा कि इसमें मेन रोल BCCI का। एक टीम लखनऊ की 8,000 करोड़ में खरीदी गई, 650 जिले हैं, अगर हर जिले को 1 करोड़ भी दे दिया जाए तो साल भर में धूम मच सकती है उस जिले में। इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हो सकता है, परंतु समहाउ हमारा जो ग्रास रूट क्रिकेट है उस पर BCCI का शायद ध्यान नहीं गया। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जब तक जिले लेवल पे क्रिकेट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, टूर्नामेंट्स नहीं लाएंगे, उसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनाएंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शंस नहीं करेंगे, तब तक धांधलियां गड़बड़ियां होती रहेंगी। मैं थोड़ी कठोर बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो खिलाड़ी यहां बैठे हैं मुझे लगता है ज़्यादातर इस चीज़ को अनुभव करके ही यहां पे आए हुए और कर रहे होंगे आज भी। आज ज़रूरत है हमें इस पूरे प्रोसेस में, देश में प्रधानमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में योगी जी हैं, जो कि खुद ही एक ईमानदार और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के परिचायक हैं। मैं अनुरोध करूंगा युद्धवीर जी सिंह से कि यहाँ की जो उन्होंने अपनी, मैं हम खुश किस्मत हैं कि उन्होंने टाइम निकाला मेरठ से चलकर यहाँ तक आए इस गेम को सपोर्ट करने के लिए। पहले भी आ चुके हैं मुझे बताया, और एक मजबूत ईमानदारी BCCI UPCA के अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं पूरे प्रदेश में। फुटबॉल के सुब्रत चटर्जी से की एक लिखा है, बैडमिंटन में जो इंडिया सीनियर इंडिया टीम रिप्रेजेंट है, खेलों में भारत ने जो SP सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय सतीश जी, महेंद्र जी, जिन्होंने कि इस प्रतियोगिता, राजेश यादव सर लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के प्रेसिडेंट, उनको एक मोमेंटो देते हुए ये एक स्मृति चिन्ह है जो लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से सबको भेंट किया जाता है। हमारे बीच पंकज सर भी है, पंकज सर
ऐसे खींचा तो दोबारा करवाना पड़ेगा ऊपर नहीं बैठ जाए ना वेल प्लेड हां भैया भारतीय विजेता टीम की बस बस कुछ देखिए एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा। एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने कई सालों से यहाँ कर रखी है। इस तरह के पहल से स्थानीय टैलेंट निकालने में मदद मिलेगी, जो नए बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको ये पता चलेगा खेल का स्तर कहाँ है, कैसे मेहनत करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। कुल मिला के एक बहुत अच्छा प्रयोग उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है कई वर्षों से, और यह देखकर और आज यहाँ भाग लेकर प्रसन्नता हुई और उनको बधाई देता हूँ मैं। सर विजेता उपविजेता टीम के लिए क्या करना? अच्छी बात है, अच्छा गेम किया, अच्छा फाइनल हुआ, दोनों ने अच्छा संघर्ष किया। खेल में जीत और हार एक पार्ट होता है, दैट इज़ वाई स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेंट होता है। हर आदमी को स्पोर्ट्स करना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपको हारना सिखाती है। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों जो टीम है दोनों को पुनः बधाई हमारी तरफ से और शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर त्रिलोक रंजन श्रीवास्तव सेक्रेटरी हूँ लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी का। 7 दिवसीय मैच का समापन जी, ये बेसिकली ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जो लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी कराती है, लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी। ये 7वां वर्जन था जो 20 तारीख से शुरू हुआ था, 27 तारीख को इसका फाइनल मैच था जिसमें लक्ष्य की टीम ने कैग दिल्ली की टीम को हरा के जो है विजेता बनने का सम्मान प्राप्त किया। विजेता टीम को क्या है? विजेता टीम को 3 लाख रुपए प्राइज मनी होती है। इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइजेज अलग से होते हैं, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, वो भी कैश प्राइज होते हैं जो कि बांटे गए। क्या कहेंगे विजेता टीम के लिए? विजेता टीम के लिए क्या कहेंगे? विजेता टीम ने बहुत अच्छा, बहुत ही प्रोफेशनल जो है क्रिकेट खेली, वक्त के साथ अपनी चीज़ों को ढालते हुए। जैसे शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की, लगभग 70 रन बिना कोई विकेट खोए तेजी से बनाए, फिर उनके 3 विकेट गिरे तो उन्होंने धीरे धीरे इनिंग को स्टडी किया, एक बढ़िया प्रोफेशनल इनिंग खेलते हुए 195 का एक अच्छा टारगेट दिया, और एक ऐसी पिच जो स्पिनरों को मदद कर रही थी, उनके पेसर केवल 3 या 4 ओवर फेंके, बाकी पूरी बॉलिंग उन्होंने स्पिनरों से करा के मैच 15 रन से जीत लिया। खेल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी भी, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि फिट रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, इसकी उतनी ही ज़रूरत है जितना एक अच्छे डाइट की ज़रूरत है। तो एक बेटर लाइफ स्टाइल, एक स्वस्थ ज़िंदगी के लिए स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इससे जो है हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी एकेडमी खासकर जैसे वैसे भी फ्री अवकाश सारे बच्चों को ट्रेनिंग देती है, तो ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हो हम उनको ऑफ़र करते हैं कि वो आएँ और हमारी एकेडमी में हम उनको फ्री अवकाश सारी सुविधाएँ मुहैया कराएँगे और फिट रहने और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की सारी चीज़ें अवेलेबल कराएँगे।